हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको कि ये ग्लाइडोलस के बल्ब को कैसे ग्रो करना है, मतलब इनको कैसे लगाना है और इनकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 इंच का मिट्टी का पॉट लिया है और इसमें 4 ग्लाइडोलस के बल्ब ग्रो हो जाएंगे, पर मैं 2 ही ग्रो करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इतना भर लिया है, करीब इतना सा मैंने इसको खाली रखा है, क्योंकि मैं इनमें बल्ब अभी लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर और 2 इंच की मिट्टी की परत इसमें डालूंगी। इसलिए मैंने इस गमले को इतना खाली रखा है। देखिए फ्रेंड, जो मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया है ये वेल ड्रेन है, क्योंकि इसमें मैंने मिलाया है कंपोस्ट है इसमें, और बोन मिल है, और इसमें है गार्डन सॉइल है, और इसमें रेत मिलाई है। तो इन चारों को मैंने मिलाकर ये गार्डन सॉइल बनाकर, ये पॉटिंग मिक्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको जब भी हम इस बल्ब के लिए इसमें मिट्टी भरते हैं गमले में, तो मिट्टी को हमें ऐसे ऐसे दबा देना है ताकि अंदर की जितनी एयर है वो बाहर निकल जाए। मतलब हमें अच्छे से दबाकर इसमें नीचे से ही मिट्टी भरनी है। उसके बाद हमें अपने बल्ब लेने हैं। बल्ब में देखिए, ये जैसे अनियन में ऊपर लेयर होती है, वैसे इसमें भी लेयर होती है, ये देखिए। तो आप जो सूखी लेयर है इनको निकाल कर बाहर कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल बल्ब है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह हम दोनों दूसरे वाले बल्ब की भी लेयर निकाल कर ऐसे बाहर कर लेते हैं, ये देखिए। इससे क्या होगा कि हमारा बल्ब थोड़ा जल्दी ग्रो होगा, ये देखिए। इस तरह से निकालने के बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से सिर्फ रखना है आपको सरफेस पे। इसकी बेडिंग तैयार करने के बाद आपको इस तरह दोनों बल्ब कम से कम 2 इंच के गैप में इनको आपको रखना है इस तरह से, ये देखिए, ये प्लेस हो गए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेम पॉटिंग मिक्स लेना है और इसको ऐसे कवर कर देना है। आपको इन बल्ब से 2 इंच के ऊपर तक की मिट्टी भरनी है, ये देखिए। इस तरह से भरने के बाद फ्रेंड्स, आप इसकी जो मिट्टी बना रहे हैं उसको वेल ड्रेन इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर इसमें मिट्टी रुक गई तो ये बल्ब सड़ जाएंगे, इसलिए। और इनको थोड़ा गहराई में गाड़िएगा, क्योंकि अगर जब ये बल्ब बड़े होंगे और ये जब प्लांट बन जाएंगे और इनमें जब फ्लावर आएंगे, तो अगर ये जो बल्ब हैं अगर नीचे गहराई में नहीं है तो फिर क्या होगा कि ये उनका लोड सह नहीं पाएंगे और ये प्लांट गिर जाएंगे। इसलिए इनको थोड़ा सा गहराई में, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी गहराई में ज़रूर इनको लगाइएगा, ये देखिए। इस तरह से मैंने इनको कर दिया है। इसके बाद हम इनको देंगे पानी, ये देखिए। अब इनको हमें पानी देना है, ये देखिए। इसके बाद हम इसको देंगे पानी। पानी आप इनको पहली बार बहुत अच्छे से दीजिए, फिर उसके बाद इनकी मिट्टी जो है उसको मॉइस्ट रखिए, इसको सूखने मत दीजिए, क्योंकि अगर सूख जाएंगे तो ये बल्ब भी सूख जाएंगे। इसलिए आप इनकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए हमेशा। तो इस तरह से ग्लाइडोलस के बल्ब मैंने तो लगाए हैं। देखिए ये कैसे स्प्राउट्स होते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। इस साल हम और आप मिलकर इनको ग्रो करेंगे और इनमें फ्लावर उम्मीद करती हूँ ज़रूर आएंगे। और ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।